यूआरसी कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड जो बेसिकली एक कंस्ट्रक्शंस कंपनी है, और यहाँ पे तुम्हारा बहुत सारे रिक्वायरमेंट के लिए आ रहे वैकेंसीज, जिसमें तुम्हारा साइड इंजीनियर से लेके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, ऐसा लेवल का जॉब का अपॉर्चुनिटीज है बहुत सारे ही है, जिसमें तुम्हारा ITI से लेके डिप्लोमा होल्डर से लेके BE BTEC दैट्स मीन तुम्हारा इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर भी यहाँ पे एलिजिबल है। फ्रेशर्स के साथ एक्सपीरियंस होल्डर दोनों के लिए मैं बताएंगे कैसा बेसिकली अप्लाई करना पड़ेगा, और इन लोगों का जो प्रोसीड्योर है उसके बारे में भी डिटेल्स में बताएंगे, ओके। और कितना CTC रेंज जा सकते हैं, सारे डिटेल्स इन दिस वीडियो में कवर करेंगे। बट उसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, पहले से लाइक करवा देना, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट तुम्हारे इंटरव्यू के मार्फत तुम्हारा सिलेक्शन होने वाले हैं। सो ऐसा अपडेट YouTube में पहले बार दे रही हूँ, तो इसीलिए इसी चक्कर में मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पहले से लाइक करवा देना, और दोस्तों लोगों को भी शेयर कर देना जिन लोगों का जॉब कैंडिडेट है, क्योंकि फ्रेशर्स के लिए रिक्वायरमेंट है। इन दिस वीडियो में सारे चीज़ में अच्छा करके एक्सप्लेन करूँगी कैसा फ्रेशर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस होल्डर के लिए भी बताएंगे, बट ज़्यादातर अब मैं फ्रेशर्स के लिए ही बताएंगे। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, पेशेंट रखना, क्योंकि एक चीज़ में मतलब ज़्यादातर तुम्हारा जितने सारे चीज़ है जो पोर्शंस कवर करना पड़ता है, सो सारे चीज़ में क्लियर तुम लोगों के लिए वीडियो में शेयर करूँगी, ओके। सो थोड़ा सा डिटेल्स में इन दिस वीडियो में शेयर करने वाले हैं, चलो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड नोटिफिकेशंस मेरे को दिखाई दिया लिंक्डइन ID में, सो यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो URC कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड का जो लिंक्डइन ID पेज है वहाँ से मेरे को दिखाई दिया, 1 आवर्स पहले यहाँ पे पब्लिश किया है। सो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है फ्रेंड, इसीलिए मैं तुम लोगों को लिए वीडियो बना रही हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो तुम्हारा जो नोटिफिकेशन जो आ रहा है बेसिकली यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए रिक्वायरमेंट है, एक्सपीरियंस होल्डर के लिए भी रिक्वायरमेंट है, ओके। सो यहाँ पे देख सकते हो वॉकिंग इंटरव्यू जो होगा बेसिकली लैंड सर्वेयर के लिए रिक्वायरमेंट है। सो यहाँ पे इंजीनियरिंग इन सिविल और सर्वे के लिए रिक्वायरमेंट है। जॉब लोकेशंस देखेंगे यहाँ पे देख सकते हो टोटल 2 लोकेशंस के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट आ रहा है, और यहाँ पे तुम्हारा डायरेक्ट इंटरव्यू के मार्फत तुम्हारा सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू जो होगा 19 मई 2024 संडे तुम्हारा इंटरव्यू होगा। टाइमिंग यहाँ पे देख सकते हो 9 AM से 5 PM तक इंटरव्यू चलेगा, ओके। मैं थोड़ा सा डिटेल्स में यहाँ पे दिखा देती हूँ, यहाँ पे देख सकते हो 19 मई 2024 संडे, ओके। और यहाँ पे 9 AM से 5 PM तक इंटरव्यू चलेगा। करंट ओपनिंग फॉर द लैंड सर्वेयर, फ्रेशर्स से लेके 10 इयर्स एक्सपीरियंस होल्डर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिविल बैकग्राउंड के लिए रिक्वायरमेंट है, और सर्वे में जिन लोग कंप्लीट किए उन लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग और चेन्नई, और यहाँ पे देख सकते हो टोटल 2 लोकेशंस के लिए बेसिकली इंटरव्यू आ रहे हैं। और प्रोजेक्ट यहाँ पे देख सकते हो मेट्रो रेल एंड बिल्डिंग के लिए रिक्वायरमेंट है, मेट्रो रेल एंड बिल्डिंग में, ओके। और यहाँ पे देख सकते हो कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे प्रोवाइड किया, दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर, कुछ डाउट है और इंक्वायरी है तो यहाँ पे पूछ सकते हो, ओके। और दिस इज द बेसिकली वेबसाइट पेज, और यहाँ पे इंटरव्यू का एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन है, देख सकते हो तमिलनाडु में इंटरव्यू चलेगा। यहाँ पे देख सकते हो दिस इज द एड्रेस, जिन लोग इंटरेस्टेड है जरूर अप्लाई करना, ओके। जो पॉइंट है बाकी जितने सारे हैं उन लोगों को लिए बेसिकली क्या करना पड़ेगा, ओके। जैसा तुम्हारा इलेक्ट्रिकल हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, उन लोगों को लिए क्या करना पड़ेगा उसके बारे में भी डिटेल्स में बताती हूँ। पहला बात है जिन लोग सिविल और सर्वे में काम करना चाहते हो उन लोगों को लिए सिविल डिपार्टमेंट एंड सर्वेयर के लिए रिक्वायरमेंट था, फ्रेशर से लेके एक्सपीरियंस होल्डर के लिए, जो चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिसमें तुम्हारे इंटरव्यू के मार्फत तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तुमको जाके इंटरव्यू अटेंड करना पड़ेगा। बट एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ, जिन लोग अभी भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किए करियर सेक्शंस में जाके, उन लोगों को लिए क्या करना पड़ेगा। सो यहाँ पे देख सकते हो करियर करके जो मेंशन है इसमें जाके तुमको क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। वर्क विद अस करके मेंशन है, दैट्स मीन तुम लोग वहाँ पे एम्प्लॉय में काम करना चाहते हो, ओके। उन लोगों को लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म है, जिन लोग उन लोगों का कंपनी में काम करना चाहते हो उन लोगों को लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसमें देख सकते हो तुम्हारा नेम से लेके ईमेल ID, मोबाइल नंबर, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, जिन लोग फ्रेशर्स हैं इन लोग को लिए 0.00 करके यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, और एक्सपीरियंस होल्डर के लिए कितना साल एक्सपीरियंस है यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। डिपार्टमेंट यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, बहुत सारी यहाँ पे डिपार्टमेंट है, जैसा फिनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, IT टेक्निकल सपोर्ट, देन तुम्हारा बजट डिपार्टमेंट, स्टोर के लिए भी है यहाँ पे, प्लानिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, जिन लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किए उन लोगों को लिए, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जिन लोग MBA कंप्लीट किए उन लोगों को लिए देख सकते हो यहाँ पे, ऑपरेशन डिपार्टमेंट यहाँ पे देख सकते हो, एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट, ओके। जैसा तुम्हारा सिविल का एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट में जिन लोग काम किए उन लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ओके। बिलिंग डिपार्टमेंट, मैकेनिकल के लिए भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है देख सकते हो, सर्वे डिपार्टमेंट के लिए भी रिक्वायरमेंट है, ऐसा करके इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है देख सकते हो, फॉरमैन डिपार्टमेंट के लिए, फॉरमैन दैट्स मीन तुम्हारा जिन लोग ITI कंप्लीट किए हैं उन लोग फॉरमैन डिपार्टमेंट में
अप्लाई कर देना। और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ऐसा करके इंजीनियर बीम मॉडलर, जिन लोग बीम मॉडलर में काम किए उन लोगों को लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। मैकेनिकल और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए भी रिक्वायरमेंट है। ऐसा करके यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे हैं, जिसमें तुम्हारा ITI से लेके डिप्लोमा होल्डर देन इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर के लिए अलग अलग करके डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे वैकेंसीज है। सो यहाँ पे अपना जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे चूज कर लेना, देख लेना कौन सा डिपार्टमेंट में तुम काम कर रहे हो और काम करना चाहते हो। दैट्स मीन फ्रेशर्स है उन लोग इन फ्यूचर में जैसा सर्वे डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं फ्रेशर्स, उन लोग यहाँ पे सर्वे डिपार्टमेंट में क्लिक कर सकते हो। जिसका जो डिपार्टमेंट अच्छा लगता है और जिसका जो डिपार्टमेंट में अभी एक्सपीरियंस है उन लोग यहाँ पे ऐसा करके तुमको डिपार्टमेंट चूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है करेंट लोकेशंस। सो यहाँ पे करेंट लोकेशंस तुम्हारा डालना पड़ेगा। जिन लोग जिधर काम कर रहे उन लोगों को लिए लोकेशंस डाल सकते हो। फ्रेशर्स जिधर अभी घर में है तो घर का लोकेशंस डाल सकते हो ऐसा करके। उसके बाद तुम्हारे पास जो CV है यहाँ पे चूज फाइल में जाके क्लिक करके तुम्हारा CV अपलोड करना पड़ेगा। फाइल साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सो मैक्सिमम अप टू 2 MB ऐसा करके मेंटेन करना पड़ेगा। ज़्यादा होगा तो यहाँ पे अलाउ नहीं करेगा। उसके बाद सबमिट कर देना। और एक चीज़ बात है, CV के साथ कवर लेटर देना। कवर लेटर का सैंपल मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। सो CV के साथ कवर लेटर देने से क्या होता है, इंप्रेशन अच्छा होता है, शॉर्ट लिस्ट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। सो सैम्पल मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आई होप मैं सारे डिटेल्स बता चुकी हूँ। नेक्स्ट जो पॉइंट है CTC के बारे में देखेंगे। सो मिनिमम 3.5 LPA से लेके मैक्सिमम अप टू तुम्हारा 6 LPA तक तुम्हारा CTC रैंक जा सकता है, और भी ज़्यादा हो सकता है क्योंकि 10 ईयर्स एक्सपीरियंस के लिए भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। 12 ईयर्स तक भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। सो एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करके और भी ज़्यादा हो सकते हैं। सो मैक्सिमम अप टू मैं 10 LPA तक मान के चल सकती हूँ। फ्रेशर्स के लिए जैसा देखेंगे ITI के लिए अलग तुम्हारा CTC हो सकता है, डिप्लोमा के लिए अलग CTC हो सकता है, BE/BTEC के लिए अलग CTC हो सकता है। बेसिकली तुम्हारा फ्रेशर्स के लिए मैं बता रही हूँ। सो ITI के लिए देखेंगे सो 2.5 तुम्हारा मैक्सिमम हो सकता है, और डिप्लोमा के लिए 3 LPA तक हो सकता है, और तुम्हारा BE/BTEC के लिए हम लोग देखेंगे सो मैक्सिमम अप टू 4 LPA तक CTC रेंज आ सकते हैं, और ज़्यादा नहीं हो सकते, इतना ही तुम्हारा अप्रॉक्सीमेटली आ सकता है फ्रेशर्स के लिए मैं बता रही हूँ। और एक्सपीरियंस होल्डर के लिए तो और भी ज़्यादा हो सकते हैं, बट इतना ही हो सकता है। सो आई होप मैं सारे डिटेल्स कवर कर चुकी हूँ। सो इसमें भी कुछ डाउट है सो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं हमेशा रिप्लाई करने के लिए कोशिश करूँगी। और वीडियो पसंद लगा तो बड़ा सा लाइक करवा देना, और ऐसा नया जॉब का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। सो फिर से आएंगे एक नया जॉब अपॉर्चुनिटी लेके। सो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।